इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट Hirschsprung disease. डिजीज़ हिशप्रंग डिजीज actually एक्चुअली congenital कंजेनेटल डिसऑर्डर और ये जो हिशप्रंग डिजीज़ है ये हमारे पास किस तरह से हो सकती है कि मोस्टली हमारे पास उन लोगों में होती है जिन्हें डाउन सिंड्रोम होता है या फिर ऐसे लोगों में भी हो सकती है हु आर सफरिंग फ्राम अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ठीक है बेसिकली ये हमारे पास क्या है कंजेनेटल डिजीज़ है ना वॉट इज़ द पैथोजेनेसिज ऑफ डिजीज ओके नॉर्मली हमें पता है कि हमारे पास जब एम्ब्रोजेसिस होती है और एम्ब्रनिक डेवलपमेंट होती है ठीक है तो हमारे पास क्या होते हैं न्यूरल क्रस्ट सेल्स होते हैं अब क्या होता है ड्यूरिंग एम्ब्रनिक डेवलपमेंट ये हमारे पास जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स होती हैं ये माइग्रेट करते हैं इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन फ्रॉम द प्रोजिमल कलॉन टू द डिजल कलॉन ठीक है ये हमारे पास इस डायग्राम में इन्होंने दिखाया हुआ है ये हमारे पास पास जो है ना वो प्रोक्मल पार्ट ऑफ द कलॉन है ठीक है और ये डिजटल कलॉन है अब क्या होता है कि जो न्यूरल न्यूरल क्रस्ट सेल्स होती हैं एम्ब्रियो में वो हमारे पास माइग्रेट करते हैं इन द वॉल ऑफ द कलॉन ठीक है फ्रॉम द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द कलान टूवर्ड्स वर्ड द डिस्टल पार्ट ऑफ द कलॉन अब हिशपंग डिजीज़ में क्या होता है कि जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स की माइग्रेशन होती है फ्रॉम द प्रोक्मल टू द डिस्टल कलॉन ये हमारे पास इंटरप्ट हो जाती है किसी भी वजह से बिकॉज ऑफ़ सम अनोन रीजन्स जो न्यूरोक्रस्ट सेल्स होते हैं ठीक है वो यहाँ पर कहीं पे स्टॉप कर जाते हैं ठीक है वो डिस्टल कलाउन तक नहीं पहुँच पाते जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास एंटेरिक नर्व प्लेक्सीज होता है जो हमारे पास हमारे इंटेस्टाइन्स का नर्व प्लेक्सिस होता है वो डेवलप नहीं होता है ठीक है ना हम हिस्टोलॉजी में भी पढ़ते थे दो तरह के हम प्लेक्सिस पढ़ते थे एक हमारे पास क्या होता था प्लेक्सिस होता था जो जो है वो सब यूकोजा में प्रेजेंट होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है माइन टेरिक प्लेक्सेज ठीक है जिसे हम ऑर्बैक प्लेक्सिस भी कहते हैं जो हमारे पास क्या होता है मस्कुलैरिस में प्रेजेंट होता है तो ये वाले जो प्लेक्सिस होंगे ना ठीक है वो डेवलप नहीं करते क्योंकि न्यूनल सेल्स जो होते हैं वो माइग्रेट नहीं कर रहे होते इसकी वजह से क्या होता है कि जो डिजिटल पार्ट ऑफ द कोलॉन होता है ठीक है वो डिवॉइड ऑफ द नर्व फ्लेक्सेज होता है अब जो नर्व फ्लेक्सेज होते हैं ये नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द नॉर्मल पेरिस्टाइल्टिक मूवमेंट्स अब क्योंकि डिजिटल पार्ट ऑफ द कोलॉन में यानी कि जो इसमें हमारे पास क्या होता है सिगमाइट कोलॉन रहता है और रेक्टम आ जाते हैं इन पार्ट्स में हमारे पास क्या है कि न्यूरो सेल्स की क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं हुई ठीक है तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे पास ऑर्बेक प्लेक्सेज या मिजन टेरिक डेवलप ही नहीं हुए जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं डिस्टल पार्ट डिस्टल पार्ट ऑफ द कुलन में वो नहीं होंगी ठीक है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास फीसिस होती हैं वो एक्यूमुलेट कर जाती हैं अप्रॉक्सिमेट टू तो दिस डिस्टल पार्ट क्योंकि जो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी उन्होंने ये डायग्राम दिखाई हुई है इस डायग्राम में ये हमारे पास क्या है ये सीकम है ठीक है ये हमारे पास असेंडिंग को है ट्रांसवर्स को है और ये डिसेंडिंग को है फिर ये सिगमोइट को है और ये नीचे जो है वो रेक्टम है अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ तक तो हमारे पास जो है वो नर्व फ्लेक्सिस प्रेजेंट है लेकिन जो सिगमोइट को है और जो रेक्टम है यहाँ पर हमारे पास नर्व फ्लेक्सेज एबसेंट है जो हमारे पास इस डायग्राम में हमें नज़र भी नहीं आ रहा अब क्या होता है कि ये जो नर्व फ्लेक्सेज होता है इसने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स करवानी होती हैं तो ये जो सिग्माइट कोलॉन होगा और जो इरेक्टम होगा यहाँ पर हमारे पास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स नहीं होंगी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होंगी जो तो जो फ़ीकल मैटर होगा ठीक है वो यहाँ पर मूव नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से सारा फीकल मैटर जो होगा ना ठीक है वो प्रॉक्सिमल टू दिस पार्ट जो होगा वो एक्यूलेट करना शुरू कर देगा जैसे कि इस पार्ट में एक्यूमलेट हुआ है तो जो प्रॉक्सिमल पार्ट होगा हमारे पास कोलॉन का वो वो जो होगा वो डिस्टेंड कर जाएगा बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द फीकल मैटर अब ऑब्वियसली अगर हमारे पास यहाँ पर फीकल मैटर जो है वो एक्मुलेट होता जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास एक जो है ना वो रिजर्वायर के तौर पर यह एक्ट करेगा फॉर द बैक्टीरियल प्रोलीफ्रेशन तो यहाँ पर बैक्टीरियल प्रोलीफ्रेशन होगी जब बैक्टीरिया यहाँ पर ग्रो करेंगे तो उन बैक्टीरिया की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी जिसकी वजह से क्या होगा हमारे पास एंटीरोलाइटस डेवलप करेगा जब हमारे पास यहाँ पर कॉन्टीन्यूस इन्फ्लेमेशन होगी तो इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में हमेशा क्या होता है नेक्रोसिस होते हैं और नेक्रोसिस के रिज़ल्ट में अल्सर्स बनते हैं तो यहाँ यहाँ पर ये जो तो सारा प्रॉक्सिमल पार्ट होगा इंटेस्टाइन्स का यहाँ पर अल्सर्स बन जाएंगे अल्सर्स बन जाएंगे और कॉन्टीन्यूस इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा कि जो वॉल्स होंगी कलौन की वो वीक हो जाएंगी और वॉल वीकनिंग की वजह से क्या होता है यहाँ पर परफोरेशन भी हो सकती हैं जो परफोरेशन होगी तो सारा इन्फ्लेट्री मटेरियल जो होगा वो कहाँ आ जाएगा पेरिटोनियम में आ जाएगा पेरिटोनियल कैविटी में आ जाएगा तो इसकी वजह से क्या हो सकता है पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है अब ये जो हिशप्रंग डिज़ीज़ होती है मोस्टली हमारे पास डिस्टल पार्ट ऑफ द कलॉन को इन्वॉल्व करती है जिसमें सिगमाइट कलॉन या रेक्टम आ जाते हैं लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये हमारे पास जो है वो होल कलॉन को भी इन्वॉल्व कर सकती है और इवन कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन को भी इन्वॉल्व कर सकती है ठीक है तो हिशप्रंग डिजीज़ जो है वो इंटेस्टाइन के किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकती है लेकिन मोस्टली जो है वो सिगमाइड कुलौन को और रेक्टम को इन्वॉल्व कर रही होती है इसके अलावा क्या होता है हमें ये भी एविडेंस मिलता है कि जो हिशप्रक डिज़ीज़ है ना इसमें कुछ हमारे पास जेनेटिक म्यूटेशंस भी होती है मतलब ये रन करती है फैमिलीज़ में तो इसमें हमने एक जीन याद रखनी है जिसे हम कहते हैं आर ई टी जीन आर ई टी जी की म्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि जो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स होते हैं उनमें म्यूटेशन हो जाती है और उसकी वजह से भी क्या होता है कि हमारे पास ये जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स होती है ना वो जो है वो माइग्रेट नहीं कर पाते टुवर्ड्स द डिस्टल पार्ट ऑफ द कलॉन इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एक दो और जीन्स बताई हुई हैं जिसके अंदर हमारे पास आर ए टी लाइगेंड ग्लाइल ड्राइव फैक्टर आ जाता है एंडोथिलिन आ, आ जाता है एंडोथिलिन रिसेप्टर्स आ जाते हैं ये वाले भी कुछ हमारे पास जो है वो फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हिशपंग डिजीज़ ओके नेक्स्ट uh, जो है हमारे पास क्या है कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है हिशप्रंक डिजीज़ की तो मॉर्फोलॉजी में हमें पता है जब भी हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं एक हमारे पास ग्रॉस आ जाती है, जाती है दूसरी माइक्रोस्कोपी आ जाती है तो ग्रॉस में तो सिंपली हम ये देखेंगे uh, कि हिशप्रंक डिजीज़ में क्या होगा कि हमारे पास जो कोलॉन होगा वो डायलेटेड हो जाएगा इस तरह से ठीक है जो हमारे पास कोलॉन होगा उसका जो प्रॉक्मल पार्ट होगा ठीक है वो डायलेट हो जाएगा ठीक है जिससे हम कहते हैं मेगा कोलॉन ग्रॉस पे हमें यही नज़र आएगा ठीक है अब जो हिशपंक डिजीज़ होती है ये हमने पहले भी बात कर ली कि ये क्लॉन के जो है वो आ, मतलब किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकती है ठीक है इसमें कुछ छोटा सा पार्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है और इवन के एंटायरकोलॉन भी इन्वॉल्व हो सकता है ठीक है उसके बाद हम आ जाते हैं माइक्रोस्कोपी पे जब हम माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं तो हम हिशप्रंग डिजीज की डायग्नोसिस के लिए दो तरह सा माइक्रोस्कोपी परफॉर्म करते हैं ठीक है थीके? एक हम हिमोटॉक्सिन और ईसिन स्टेन करते हैं और दूसरा जो है वो हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करते हैं एच एंड स्टेन जब हम करते हैं एच एंड स्टेन के ऊपर जो है वो हमें क्या नज़र आ जाता है Uh, uh, अगर नॉर्मल कोलॉन होगा ठीक है तो उसमें हमें ऑर्बेट प्लेक्सिस और, और मीजेंटेरिक प्लेक्सिस जो होंगे वे नज़र आ जाएंगे ठीक है और अगर ये प्लेक्सिस एबसेंट तो है इट मींस दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्राम हिशप्रंग डिजीज़ इस तरह हम इम्यूनो हिस्ट्रोकेमिट्री करते हैं ठीक है थीके? अगर उस पर्सन के अंदर जो है वो ऑर्बेट प्लेक्सिस और, और मिजेंटेरिक प्लेक्सिस प्रेजेंट होगा ठीक है तो ये हमारे पास जो है वो पॉजिटिव इम्यूनो हिस्ट्रोकेस्ट्री शो करते हैं फॉर इस टाइल को तो अगर हमारे पास इसी टाइल को प्रेजेंट होगा इट मीन्स के वो बंदा जो है वो नॉर्मल है और अगर उसके अंदर इसी टाइल को जो है उसकी इस इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री का रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आता है तो इट मींस द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हर्शपंग डिजीज ठीक है ये जो हो गई इसकी मॉर्फोलॉजी हो गई नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स अब जैसे कि हमने कहा है कि जो हर्शपंग डिजीज होती है ठीक है ये हमारे पास कंजनेटल डिसऑर्डर है ठीक है तो यानी कि ये बाय बर्थ होते हैं सो so, अगर एक पर्सन जो है वो हमारे पास हिशपंक्स डिजीज से जो है वो सफर कर रहा है तो क्या होता है सबसे पहले हमारे पास उसमें मिकोनीम प्रोड्यूस नहीं होगा मिकोनियम क्या होता है फर्स्ट फीसिस होती हैं जो प्रोड्यूस होती हैं आफ्टर बर्थ तो ऐसे बेबीज़ जो होंगे उनमें क्या होगा मिकोनीम की प्रोडक्शन ही होगी क्योंकि उनमें हमारे पास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हो ही नहीं रही इसकी वजह से क्या होगा द पर्सन विल सफ़र फ्राम कॉन्स्टिपेशन ठीक है कॉन्स्टिपेशन होगी कॉन्स्टिपेशन होगी साथ में एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी नेक्स्ट वी हैव बाइलस वॉमिट अब चूँकि बाइल जो है बाइल ने भी हमारी बॉडी से अल्टीमेटली रिलीज जो होना होता है वो फीसिस के थ्रू ही होना होता है तो अब फीसिस प्रोड्यूस ही नहीं हो रही ठीक है थीके? तो सारा बाइल जो है एक्यूमुलेट कर रहा है हमारी इंटेस्टाइंस में तो अगर वॉमिटिंग होगी तो वो बाइलस वो होगी नेक्स्ट हमारे पास हमने पहले भी बात की है कि फीकल मैटर एक्यूमुलेट होता है जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लेशन होती है तो एंटीरोलाइटस हो जाएगा नेक्स्ट क्या है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस है ये हमारे पास कैसे होती है कि जब हमारे पास कॉन्टीवस इन्फ्लीशन हो रही है इटस्टाइनस की तो उसकी वजह से क्या होता है कि फ्लुइड और इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो एबज़ॉर्ब नहीं हो पाते ठीक है फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन तो उसकी वजह से क्या होता है फ्लुइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस होती है नेक्स्ट हमने कहा था कॉन्टीस जो होती है वो इन्फ्लेशन तो की वजह से वॉल्स वीक हो जाएंगी और उसकी वजह से परफोरेशन होती है और परफोरेशन होती है तो हमारे पास क्या हो, रहता हो जाता है पैरिटोनाइटस हो जाता है ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट हिशपंग डिजीज़ हाँ एक बात हम ये कर लेते हैं कि हिशपंग डिजीज़ की ट्रीटमेंट क्या होती है ट्रीटमेंट में ही सिंपली ये होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि सर्जिकल रिसेक्शन कर देते हैं जितना भी पार्ट होता है जो इन्वॉल्व हो रहा होता है हिजपंग डिजीज़ में यानी कि जितने पार्ट में हमारे पास जो होता है वो फ्लेक्सेज एबसेंट होते हैं उस पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं और जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं उनको आपस में सूचित कर देते हैं सो दिस इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ हिजपंग डिजीज़ थैंक यू